तो जी हाँ दोस्तों, आपने जो थंबनेल पढ़ा वो एकदम सही पढ़ा, 100% एक्यूरेट पढ़ा, क्योंकि मैं इस वीडियो पे बात करता हूँ सिर्फ फैक्ट के बारे में या कन्फ्यूजन और डाउट्स के बारे में। तो मैं बता दूँ, ये सच है कि ब्लॉगिंग से आपको घंटा कुछ नहीं मिलने वाला। कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, आप एक रुपये नहीं कमा पाओगे। वो ऐसा क्यों होता है जानेंगे आगे इस वीडियो में। से वीडियो लास्ट तक का जरूर देखते रहना, ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना आई टी इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से इस छोटी सी इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग का सबसे बड़ा फैक्ट, आज तक आपने इतनी वेबसाइट सर्व की होंगी, इतना गूगल किया होगा कि मतलब अनकाउंटेबल, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। आप मुझे सिर्फ एक चीज़ ये बता दो कि आपको अभी तक पूरी, मतलब मैं पूरी लाइफ की बात कर रहा हूँ कि पूरी लाइफ में आपको अगर कोई भी एक ऐसी वेबसाइट मिली हो जो blogspot.com से हो या wordpress.com से हो, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उनकी जो सोचते हैं कि मैं गूगल पर जो फ्री blogspot.com करके वेबसाइट बना लेते हैं और उससे मैं अर्न करने लगूंगा, या वर्डप्रेस पे जो फ्री होस्टिंग वगैरह मिल जाती है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट wordpress.com। फॉर एग्जांपल, अगर जो मेरी वेबसाइट है emsitservices.com, अगर मैं ये वेबसाइट ब्लॉग स्पॉट पर बनाऊंगा, यानी कि गूगल ब्लॉगर पे बनाऊंगा, तो वहां पे मुझे मिलेगा emsitservices.blogspot.com, या वर्डप्रेस पे बनाऊंगा तो emsitservices.wordpress.com। तो इस तरीके से कुछ वहां पे वेबसाइट मिलती है। अब आप गूगल करो, कोई भी वेबसाइट कुछ भी डाल दो वहाँ पे, आप एक सिंगल वन वेबसाइट आप मुझे बता दो कि आपको वहाँ पे blogspot.com से मिली है या wordpress.com से मिली है। ये तो बहुत दूर की बात है, ये तो छोड़ दो, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट .com .in वाली भी रैंक नहीं करती फर्स्ट पेज में, और यूज़र जो होता है, जो विजिटर होता है, वो फर्स्ट पेज तक ही विजिट करता है, यानी उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो 3-4-5 max 5 वेबसाइट तक नीचे तक जाता है, इससे ज़्यादा विजिटर नहीं जाता है। वो एक या दो में ही ऊपर ही, जो भी आपने टॉपिक डाला वो एक या दो वेबसाइट में ही कहीं ऊपर फंस जाता है, या उसी पे क्लिक करके देख सकते हैं, क्लिक करके वो देख लेता है। एंड दोस्तों, मेरी भी एक वेबसाइट है emsitservices.com करके, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाके विजिट करके चेक कर सकते हो। वहाँ पर मैं जॉब्स और टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताता रहता हूँ, बेसिकली वहाँ पर जॉब्स वगैरह के अपडेट बहुत ज़्यादा आते रहते हैं डेली बेसिस पर, तो आप उसे भी जाके वहाँ पर एक बार ज़रूर चेक कर लें। एंड दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो से मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन जो फैक्ट है, जो सच है, वो आपको जानना चाहिए, वो आपको चीज़ें देखनी चाहिए, और उससे कभी नहीं छुपना चाहिए कि यार नहीं, नेगेटिव वे है ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक ब्लॉगर बनना चाहते हो, वेबसाइट वगैरह क्रिएट करके वहाँ पे कंटेंट अपलोड करना चाहते हो, तो यार जैसे फ्री करते हो, मैं बता रहा हूँ 1000-1200 में आपको एक साल का होस्टिंग और डोमेन दोनों मिल जाए, कि आप वो कहीं से भी ले सकते हो, चाहे वो गोडैडी हो, बिग रॉक हो, या होस्टिंग राजा, मतलब ये जो वेबसाइट्स होती हैं, आप वहाँ से जाके बेसिकली परचेस कर सकते हो, बहुत ज़्यादा 1000 या 1200 में वहाँ पर मिल जाएंगी। तो आप उन पे जाके ब्लॉगिंग करो, और वहाँ पे भी आपको कम से कम 6 महीने लग जाएंगे, कितने भी अच्छे आप वेबसाइट बना लो, कितने भी अच्छे एक SEO हो, आपको कम से कम 3-4 महीने तो वहाँ पे मिनिमम लग ही जाने हैं वेबसाइट को रैंक कराने में, क्योंकि इतनी ज़्यादा वेबसाइट हो गई हैं, एक मास्टर लोग बैठे हुए हैं। तो सो दोस्तों, यही था कि यार अगर आप करना चाहते हो, हाँ ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमा सकते, ब्लॉगिंग में बहुत पैसा है, यानी कि अनाप शनाप 1-2 लाख 50 लाख जो वीडियो जैसे बनाते हैं वो फैक्ट बनाते हैं, इतना अर्निंग होती है, वो चाहे ब्लॉगिंग हो चाहे यूट्यूब हो, कोई भी हो, अर्निंग होती है प्लेटफॉर्म पर, लेकिन एक वे से, एक तरीके से, एक टाइम आने के बाद। ये नहीं कि आज आपने वेबसाइट बनाई, 2 महीने तक एक एक दो दो ब्लॉग डालते रहे, वो 3रे महीने आपको पेमेंट आ जाए 10,000 20,000 1 लाख, तो ऐसा नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको उस पर अच्छे से काम करना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें जाके मैनेज होंगी, तब आपकी वेबसाइट रैंक करेगी, और उसके बाद आप एक अच्छा खासा वहाँ पर पैसा कमा पाओगे। एंड दोस्तों, इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप इन्हीं वेबसाइट से भी कमा सकते हो, उसके कुछ अलग तरीके होते हैं। अगर आप चाहो कि गूगल एडसेंस से इनसे कमा लें तो उनका नहीं कमा सकते, लेकिन इसके अलावा इससे कमाने के, जो blogspot या wordpress.com की वेबसाइट पे लोग बनाते हैं फ्री में, उससे कैसे कमा सकते हैं, तो ये मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आप चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दे रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि मैं अगर कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपका मिस ना हो।
आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। इसके बाद भी अगर आपको कोई कॉमेंट्स या क्वेरी नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपको ऑन स्पॉट आंसर चाहिए तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके मेरे से वहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हो या मेरी वेबसाइट पर विजिट करके वहाँ से मुझे मेरे से चैटिंग कर सकते हो। मेरा नाम है शिवम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत।